यो गाइस, तो आज बहुत दिनों से मैं तुम सबको बोल रहा था मेरा माउस खराब है और नया माउस नहीं ले पा रहा था मैं, ठीक है। बट आज वो घड़ी आ चुकी है जब मैं नया माउस लूंगा। और ये मेरे पुराने माउस की हालत देखो एक बारी। ये मेरा पुराना माउस बहुत ही बुरी हालत में है, इसके नीचे का ग्रिप लटरम पटरम सब टूट चुका है। बट हाँ, ये अभी भी चल रहा है। ये क्लिक जो है इसका, इसको जब क्लिक करते हैं, ये आवाज़ आ रही है। तो चलो भाई, आज फिर अमेज़ॉन तेरे पास आना पड़ेगा मुझे नया माउस लेने के लिए। तो चलो पीसी में घुसते हैं और देखते हैं कि हाँ भाई, नया माउस कौन सा लेना। तो हम अमेज़ॉन में आ चुके हैं और यहाँ पे गेमिंग माउस लिखेंगे। तो हमारे को गेमिंग माउस चाहिए। ये अमेज़ॉन चॉइस है। नहीं यार, इतना सस्ता भी नहीं लेना मैंने, 350 रुपये का नहीं लेना। ये बेस्ट सेलर है रेड गियर का A15, 6400 DPI है इसकी। ओके, ये एंटी स्पोर्ट्स का है, इसका मेरे को नाम नहीं पता, ये क्या है पता नहीं, ये क्या है। ओके, तो यहाँ पे ये एंटी स्पोर्ट्स का है, इसके अंदर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, मतलब स्क्रॉल व्हील को छोड़ के मतलब 7 बटन दिए हैं इसमें। और ये जो होगा ये पक्का रैपिड फायर होगा, और रैपिड फायर तुम्हारे को पता ही है, फायर बटन है इसमें, ठीक है। इसमें फायर बटन है, तो तुम्हारे को पता फायर बटन क्या करता है। फायर बटन मतलब CPS तुम्हारे को पता लग जाएंगे कि कितने ज़्यादा आ रहे हैं। तो बाकी यहाँ पे अमेज़ॉन प्राइस, ये लाइट डील है वैसे, और ये लाइट डील है इसका मतलब। और वैसे नॉर्मली कितने का मिल, मतलब लाइट डील में 79% ऑफ मिल रहा है। और मक्की की माँ यार, मक्की कहाँ से आ जाती है भाई, जब मैं अभी ये मैं माइनक्राफ्ट खेल रहा होता हूँ तो वो ए करने आ जाता है। इसको बम मारो। ये 575 का है, ठीक है। और नहीं, ये बेकार है। ये रैपिड फायर वाला है, तो गाइस ये मैं कंसीडर कर सकता हूँ रैपिड फायर वाला, लाइक तुम्हें पता है धर फास्ट जो चलेगा। ये भी रैपिड फायर वाला, ये कैसा है। ये एंटी स्पोर्ट्स का है, GM 600। ओके, ये GM 600 है। और इसमें फायर बटन है क्या गेमिंग माउस, ये है तो सी, वैसे ये फायर बटन ही होगा आई थिंक। गाइस मुझे ना दो वाले माउस अच्छे लग रहे हैं, एक ये वाला, ये मेरे पास GM 320 है एंटी स्पोर्ट्स का, और ये दूसरा है मेरे पास GM 600। ये 320 है, ठीक है, और ये 600। तो मेरे को इन दोनों, ये भी अच्छा लग रहा है और ये भी अच्छा लग रहा है मुझे, ठीक है। ये थोड़ा सा गोलू मोलू टाइप है और ये थोड़ा लंबा टाइप है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये वाला मंगा लूँ, 750 वाला। तो ये 750 वाला मैं मंगा लेता हूँ। तो अब मैंने कर दिया एंटी स्पोर्ट्स का GM 600 ऑर्डर, अभी आएगा तो इसको अनबॉक्स करते हैं, लेट्स सी कैसा है और मजा आने वाला, लेट्स सी देखते हैं। तो गाइस प्रोडक्ट आ गया, नया माउस और ये रहा मेरे हाथ में, ठीक है। अब इसको खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। अब इसको खोलू कैसे वो सोच रहा हूँ, एक हाथ से। ओके गाइस, एक हाथ से खोलना बड़ा मुश्किल तो नहीं है, बट खुल गया तुमसे। भाई एक हाथ से खोल दिया भाई, देख रहे हो। ये है एंट ई स्पोर्ट्स GM 600 प्रोग्रामेबल ऑप्टिकल गेमिंग माउस है। ये 7200 DPI है, मल्टी कलर बैक LED है, और इसके अंदर प्लग एंड प्ले है। 1.5 mm की ब्रेडेड केबल है, 7000 FPS है, 125 Hz का वो है पोलिंग रेट,
पोलिंग रेट कम है इसका, बट ठीक है कोई बात नहीं। हाँ अबुई को दूध दूध दे दे। एक थोड़ी सी किताब है पढ़ लो इसको। यह हमारा चिट्टे चिट्टे कपड़ों में चिट्टा चिट्टा माउस, नहीं काला काला माउस, और इसके अंदर कुछ नहीं होगा। और निकालो इसको, देखो जरा ये खराब तो नहीं है। सेकंड मतलब ये थोड़ा सा बकलोली कर देता है कभी कभी। आवाज देखिए इसकी, तो चलो भाई इसको लगाएं पीसी पे और देखते हैं कि कैसा काम करता है। माउस लगा दिया गया है और यहाँ पे माउस तुम्हारे को दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है, लाइट जगी इसमें, लाइट टाइप स्केचर्स, आई लाइक योर स्केचर्स, यू मम्मी मा गुची शू। तो वी आर इन द पीसी, हम पीसी में आ चुके हैं। सो इसका मैं ये रहा एंटी स्पोर्ट्स जीएम 600, ये इसका सॉफ्टवेयर है, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मेरे को थोड़ा सा अभी मतलब यूज़ टू होने में टाइम लगेगा इस पर, क्योंकि अजीब सा लग रहा है मुझे। पहले मैं इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है। तो गाइस इसका सॉफ्टवेयर कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। ये इसका लेफ्ट क्लिक बटन, ठीक है, कॉन्फिग कर सकते हैं हम। रैपिड फायर बटन है इसके अंदर, फिफ्थ नंबर, ये वाला बटन जो है इसका, ये रैपिड फायर है, तुम्हारे को पता लग जाएगा। ये वाला बटन रैपिड फायर है इसका, ठीक है। इसके अंदर एक एक्स्ट्रा बटन दिया गया है, इसका CPS होएगा। अभी ये ऑफिस प्रोफाइल में है, ठीक है। प्रोफाइल 1, प्रोफाइल 2 और प्रोफाइल 3 ये हमने सेट करनी है। अभी मैं इसको, इसके अंदर मैक्रो भी है, अगर कोई चीज़ हमारे को करनी है, रिकॉर्ड कर सकते हैं हम इवेंट लटरम पटरम, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये इस वीडियो में मैं अगर पूरा बताने लगा तो वीडियो ना 2-3 घंटे की बन जाएगी, इससे अच्छा इसको हम नहीं बता। यहाँ पे परफॉर्मेंस है, ठीक है। ये स्क्रोलिंग स्पीड आ जाती है यहाँ पे हम स्क्रोल जब करेंगे, ठीक है। स्क्रोल कितने उसमें होगा, मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा ही रखता हूँ, 5 पर। और डबल क्लिक स्पीड कितनी होनी चाहिए, 50 ms या 30 ms। अभी ये 50, अभी इसको एज इट इज रखते हैं और चलते हैं क्रोम पे CPS टेस्ट करते, ठीक है। अब हम यहाँ पे आ चुके हैं, CPS टेस्ट करते हैं बिना उसके। अब यहाँ पे डबल क्लिक करके देख, डबल क्लिक घंटा, ठीक है। अब रैपिड फायर मार, रैपिड फायर 9 CPS दे रहा है अभी, ठीक है। और अगर हम इसको डबल क्लिक को 8 पे कर देंगे तो कितना देगा, 9 CPS आ रहे हैं रैपिड फायर पे। अच्छा इसको अप्लाई भी करना पड़ता है बे। और यहाँ पे अप्लाई होने के बाद 31 CPS आ, ठीक है। तो ये तुम्हारे को देखी गया कि इसकी CPS कैसी है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को अभी यूज टू होने में टाइम लगेगा इसके अंदर। यहाँ पे LED के ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, और सिस्टम के ऊपर वो चलना शुरू हो जाएगा। एम्बियंट, इसके अंदर लाइट के और भी बहुत सारे मोड है, लाइक फ्लिकर, डिस्को, ये डिस्को मैन, ठीक है। और यहाँ पे लाइट ऑन, सिर्फ ऑन ही रहेगी सीधा लाइट, ठीक है। और यहाँ पे साइकिल ब्रीदिंग इफेक्ट आ जाता है, यहाँ मतलब चीजें बहुत दी हुई है उन्होंने। यहाँ पे लाइट LED ऑफ, मतलब अगर तुम्हें नहीं चाहिए LED तो तुम यहाँ से ऑफ भी कर सकते हो। इवन देन बटन रिस्पॉन्स पे, ये बटन रिस्पॉन्स है, अगर बटन दबेगा तो लाइट जगेगी, ये देखो। ये इसके अंदर एक और चीज है गाइस, म्यूजिक LED। इसके अंदर क्या आता है, वेव, फ्लिकर और स्टार लाइट। तो स्टार लाइट पे क्लिक करके हम कोई गाना चलाते हैं यूट्यूब पर जाकर। अपनी चली और सिर्फ अपनी ही चली,
इसलिए द हेटर्स की गान चली। गाना बनाऊंगा मैं, गाना भी गाऊंगा, जो जलते हैं और जलाऊंगा। तो लौटो हम गेम में आ गए। तो गाइस वी आर इन द बेड वॉर एंड जाके चेक करते हैं ये कैसा काम है। ये देखो ये खड़ा बेड रार, ठीक है, इस पे हम समझ रहे हो। तो हाँ ये काम कर रहा है, इसका रैपिड फायर बटन भी काम कर रहा है। सो अब आएगा मजा, ठीक है, और आई एम वेरी हैप्पी। बैड वॉर हो जाएगी और मैं बाकी गेम्स जो खेलता हूँ उसमें भी ये काम कर जाएगा। लाइटें भी हैं, सब कुछ है, मतलब ओवरऑल अच्छा पैकेज है, ठीक है। अब मैं थोड़ी देर वैलोरेंट में भी ट्राई मार के देखूंगा इसको। अभी बैड वॉर मैंने कर दी, ठीक है, अब वैलो में ट्राई मारेंगे और उसके बाद देखते हैं। तो अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई है तो प्लीज लाइक मार दो, और न्यू हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दो, और आप सबको हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टाटा।